प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत लक्सर पहुंचे, जहां पर पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई जमीनी मुद्दा नहीं है, इसलिए वह हवा हवाई मामलों को लेकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड है, दिल्ली नहीं है। यहां मुफ्त बिजली देने के जुमले से जनता मूर्ख नहीं बनेगी, साथ ही पार्टी को वजूदहीन भी बताया। इसके साथ ही मंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि प्रदेश में विकास और कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, आज सभी लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा राशन मिलता है, किसानों की तमाम समस्याओं का एक एक करके समाधान किया जाता है, साथ ही बेरोजगारों को रोजगार भी दिया जाता है। लक्सर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। स्टेट डिस्ट्रीब्यूट से काम किया है, क्योंकि प्राधिकरण से लोग बहुत त्रस्त थे, हमने आते ही प्राधिकरण हटाया है। राशन लोगों को बहुत कम मिल रहा था, 850 ग्राम चीनी मिल रही थी, 2.5 किलो चावल मिल रहा था, 5 किलो गेहूं मिल रहा था, हमने उसको 7.5 किलो मिला के 20 किलो किया है। और जो भी यथासंभव कोशिश है कंट्रोल की दुकानों की सुविधाओं के लिए, हमने कंट्रोल के दुकानदारों से बात करके उनके साथ अधिकारियों की बैठक करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया है। और नगर विकास में हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं उनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उनकी 2 दौर की बात हो गई और 27 तारीख को हम फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात करने वाले हैं, उनकी भी समस्याओं का निदान करने जा रहे हैं। जो संभव है, जो सामने समस्या आती है उसका निदान करेंगे।